सावित्रीबाई फुले की जयंती अजमेर में हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस मौके पर कलेक्ट्रेट के नजदीक स्थित महात्मा ज्योतिबाराव फुले स्मारक पर सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाकर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ साथ राजनीतिक पार्टियों के पदाधिकारियों ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। इस दौरान अजमेर दक्षिण से विधायक अनीता बदेल के साथ ही महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष साबा खान सैनी समाज के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। आज सावित्रीबाई फुले जी की जन्म जयंती है और इस जन्म जयंती को मनाने के लिए सामाजिक स्तर से हमारी बहनें और हमारी बंधु यहाँ ज्योतिबा फुले जी के स्टैचू के यहाँ एकत्रित हुए हैं। सावित्रीबाई फुले वो महिला थी जिन्होंने उस जमाने में जब ये समाज अंधकार की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, अंधविश्वासियों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, उस समय उन्होंने प्रगतिशील विचार रखते हुए शिक्षा की ज्योत जलाई। ना केवल शिक्षा की ज्योत जलाई बल्कि उस समय के जो समाज कंटक लोग थे उन्होंने उनको अनन्य प्रकारों से प्रताड़ित किया। जब वो विद्यालय जाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए तो उनके वस्त्रों को कीचड़ फेंका गया उनके वस्त्रों पर वो नहीं डरी और हिम्मत वाली वो महिला थी और वो अपने विचारों पर अड़िग थी और उसी का परिणाम है कि उन जैसी महिलाओं के इस त्याग और तपस्या के कारण ही आज समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो पाया है। हमारे बालक शिक्षित हो रहे हैं और जो औपचारिक शिक्षा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। ये कहा जाता है कि शिक्षा विवेक पैदा करती है, विवेकशील बनाती है व्यक्ति को और यह विवेक ही उसको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत कारगर सिद्ध होता है। तो वो हमारी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले जी के ही प्रयास थे जिसके कारण से आज ये समाज इतना प्रगति कर पाया, उन्नति कर पाया। तो आज उनकी इस जन्म जयंती के अवसर पर हम सब लोग उनको नमन करने आए हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं और उनके विचारों पर हम कुछ पल आगे बढ़ सके ये संकल्प लेकर के यहाँ से जा रहे हैं ताकि वो वर्ष भर हमारे मन और मस्तिष्क में बना रहे ताकि हम उनके विचारों के को आगे बढ़ाते रहे और उनके विचारों पर काम करते रहे। मैं शहरवासियों को नव वर्ष की बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। साथ में हमारे सावित्रीबाई फुले की 189वीं जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती के ऊपर शहर में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और हमारा ये कार्यक्रम महिलाओं को जो महिलाओं में बदलाव लाने के लिए हमने लोगों ने ये कार्यक्रम किए हैं। आज हमारा यहाँ से पुष्पांजलि करने के बाद 11 बजे मालियान स्कूल 9 नंबर पेट्रोल पंप के ऊपर वहाँ पर हमने महिला का मेला के आयोजन रखा गया है, बाल प्रतियोगिता रखी गई है और वहाँ पर हम लोगों ने शाम को 4 बजे विचार गोष्ठी रखी हुई है और उस विचार गोष्ठी की हम लोग ये वहाँ करेंगे कि सावित्रीबाई फुले के जिन आदर्शों पे हमारे को चलना है और जो आज की महिलाओं के लिए जो बदलाव लाना है कई जगह जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरा पर्यावरण को बचाओ पेड़ लगाओ, तो हमारा मेन उद्देश्य यही है और इसी विषय में हम लोगों ने विचार गोष्ठी की है।